ਮੱਖਣ ਡਾਲ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਟਰ ਚਿਕਨ आपको फ्राई बटर चिकन मिलता है। तो ये हमारा बटर चिकन रेडी है जिसके ऊपर ये खास किस्म का अपना स्पेशल मसाला तैयार किया हुआ है वो इसके ऊपर छिड़कते हैं। आज दिल पे हंसी अब किसी बात पर नहीं। टाइमिंग अपनी क्या है भला? मगरब से पहले इनका इनकी दुकान लग जाती है और रात 11 बजे तक बैठते हैं। 11 बजे बंद कर देते हैं। 11 बजे तक ठीक हो गया, खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ इसमें आपको लेग पीस ही नहीं है, सीने का पीस नहीं, सिर्फ लेग पीस ही वो फ्राई करके देते हैं। तो इमरान भी अगर मतलब किसी ने एक लेग की बनवानी है कढ़ाई तो वो कितना मक्खन उसमें ऐड किया जाता है? अच्छा अच्छा ठीक है, किसी के साथ जस्ट कर देते हैं। ठीक है, केला तो करना चाहता है उसको कर देते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ गुजरांवाला का स्ट्रीट फूड प्रमोट करना है। गुजरांवाला में जितने भी स्ट्रीट फूड है इंशाल्लाह हम लोग आपको सब दिखाएंगे, वो छुपे हुए हीरे निकालेंगे स्ट्रीट फूड के अंदर से जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। सो फाइनली आज मैं जिस रेस्टोरेंट में मौजूद था वो है नज़ीर टिक्का शॉप। जैसे ही आप घंटा घर से गुरु नानकपुरा की तरफ आते हैं तो आपको दाएं तरफ मिल जाएगी नज़ीर टिक्का शॉप। यहाँ पर आने से पहले एक चीज़ ज़रूर सोच लें, यहाँ आपको जो सर्विंग है वो एक घंटे से पहले नहीं हो सकती, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लिहाजा अगर आप वीडियो के बाद भी आते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर माइंड के अंदर रखें। नज़ीर टिक्का शॉप पे आपको मिल जाता है बटर चिकन, जो कि इनके जो लेग पीस होते हैं पहले उसको ग्रिल करके हाफ डन कर लेते हैं, उसके बाद उसके पीसीस करके फिर अंदर मक्खन ऐड करके और उसको फ्राई करते हैं मक्खन के अंदर। फ्राई करने के बाद इसको आपको सर्व किया जाता है। और स्ट्रीट फूड के अंदर आपने इतना हाइजीन बंदा नहीं देखा होगा इनको। मैं जितनी देर यहाँ पे खड़ा रहा हूँ वीडियो शूट करते हुए भी आप वीडियो में भी आप देख सकते होंगे, बार बार ये अपने जो इनका जो काउंटर बना है उसकी सफाई भी करते हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हैं खाने के लिए तो बराए मेहरबानी नंबर पर रब्ता करके आएँ। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ आपको ऑर्डर में काफ़ी टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पर इनका मुनासिब सा सेटअप है, बिल्कुल तकरीबन 8 से 10 लोगों के बैठने की जगह है। और यहाँ ऑर्डर में काफ़ी टाइम भी लग सकता है क्योंकि इनके पास रश काफ़ी होता है। सेटअप इनका छोटा है लेकिन रश काफ़ी होता है। तो गुजरांवाला की फूड स्ट्रीट के अंदर एक यूनिक फूड था जो आप तक पहुँचा दिया। अगर आप इसको ट्राई करना चाहें लोकेशन आपको बता दी, नंबर भी नीचे आ रहा है, आप नंबर पर भी फ़ोन करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए खाबे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह। इस दुकान में मुझे भी आपको मिलती है सामने घंटाघर है, घंटाघर से जैसे ही आप गुरु नानकपुरा की तरफ आते हैं तो आपको मिलती है नज़ीर टिक्का शॉप।